अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए दाल गोश्त बनाने जा रही हूँ जो कश्मीरियों का बहुत फेवरेट है और इसके साथ साथ असी पंजाबी भी अदे तो पीछे नहीं आ। तो इसकी रेसिपी क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। जी, चूल्हा जलाया, ऊपर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया। दाल को हम आज प्रेशर कुकर में बनाएंगे। हाफ कप ऑफ ऑयल ऐड कर दिया, ये मीडियम साइज़ का स्लाइस्ड कट में अनियन है ये भी डाल दिया मैंने। अब इसको मुझे गोल्डन ब्राउन करना है, फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे और इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये गोल्डन ब्राउन हो गया जनाब। अब ये है 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, 2 टेबलस्पून है ये। इसको ऐड कर दूँगी और इसको मैं अनियन के साथ ही, प्याज के साथ ही थोड़ा फ्राई कर लूँगी। जी, अब ये एक टमाटर है, एक मीडियम साइज़ का टमाटो है ये, इसको मैंने कट किया हुआ है पहले से और ये भी मैंने ऐड कर दिया। इसको जैसे मर्ज़ी काट लें, कोई मसला नहीं है। इसको मैं अब टमाटर के नरम होने तक मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। ये जनाब है, अब मेरे पास मीट है, मटन मैंने लिया है, आधा किलो गोश्त है ये मैंने डाल दिया। आप बीफ भी ले सकते हैं, बीफ में भी बन सकती है। ये है कि फिर उसमें ज़रा थोड़ा आपको प्रेशर ज़रा ज़्यादा देना पड़ेगा। ये 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया मैंने, 1 टेबलस्पून ऑफ लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, वन टेबल स्पून ऑफ सूखा धनिया पिसा हुआ है, पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने ये पिसा हुआ धनिया डाल दिया। 1 टेबलस्पून ऑफ पिसा हुआ ज़ीरा ये भी डाल दिया और इसको अब मैं अच्छे से ये मसाले वगैरह मिक्स करने हैं और इसको तब तक अब मुझे भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखें, ऑयल सेपरेट हो रहा है। जी, हो गया जनाब। अब ये आधा किलो दाल है, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, चने की दाल है, इसका वाटर अब मैंने ड्रेन कर दिया है। अब जनाब इसको मैं इस गोश्त में ऐड कर दूंगी। ये देखें, वन ग्लास ऑफ वाटर, छोटा ग्लास जो आम घरों में शीशे के ग्लास होते हैं छोटे साइज़ वाला, ये पानी का एक डाला मैंने बॉल में ताकि दाल को अच्छे तरीके से उसमें डाल दिया जाए। 2, 3 एंड द लास्ट वन 4 4 ग्लास ऑफ वाटर इसके मैंने डाले हैं दाल में, क्योंकि दाल ज़रा गलने में ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती है। और इसको अब मैं ढक्कन लगा के इसको बंद कर दूंगी और इसको प्रेशर दे दूंगी। फ्लेम को आप मीडियम और हाई के दरमियान में रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना। अब ये देखें, ये तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको प्रेशर दिया है, 2 मिनट फिर मैंने जब आग बंद की तो 2 मिनट रोका, जब इसकी स्टीम निकल गई तो अब मैंने ये ढक्कन खोल दिया है। ये देखें, दाल गल चुकी है, मिक्स हो गई है, पानी देखें कितना कम हो गया है, आपको नज़र आ ही रहा होगा। अच्छा जी, अब मैं ज़रा ये देखूँ कि गोश्त गल गया है या नहीं, ये चेक कर लें हम एक दफ़ा। ये जी एक्यूरेट, बिल्कुल सही, गोश्त गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। अब इसको थोड़ी देर और पकाना है ताकि ये दाल और पानी वगैरह अलहदा अलहदा ना रहे। ये देखिए, दाल पक रही है, हाई फ्लेम पे इसको मैंने रखा है ताकि पानी भी मज़ीद रिड्यूस हो जाए और दाल भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। अब ये देखिए, इस टाइम पे आकर मैंने 1/4 टेबल स्पून जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च ये डाल दी है, ये ज़रा खूबसूरती के लिए डाली है और साथ इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, ये मैंने डाल दी और मिक्स कर दिया इसको। इसके बाद मैंने ये है 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर है ये डाल दिया,
इसके ऊपर अब मैं ढक्कन दे दूंगी, फ्लेम को स्लो करूंगी और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए चूल्हे पर ही रहने दूंगी। इसके बाद मैं इसको सर्व कर दूंगी। और जनाब इसको मैंने राइस के साथ, सैलेड के साथ सर्व किया है। दाल गोश्त तैयार है, इसको मैंने गार्निश किया अदरक के साथ, धनिया के साथ और राइस और सैलेड के साथ सर्व कर दिया। तो व्यूअर्स आपने इसको ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।